ये बरमान का बस स्टैंड है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हालत है इस बस स्टैंड की वो सब कुछ बयां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी यहीं से हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आते हैं, मां नर्मदा को अपना प्रणाम करते हैं। लेकिन जो हकीकत है यहाँ की, जो यहाँ के निवासी हैं, ये भी आपको बताएगा कि आखिर हकीकत में कितना विकास हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे जी कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? सब बरमान के हैं, कंदीलाल नाया। अरे कंदीलाल जी, क्या बात है, सब क्या कहेंगे है। आप बस स्टैंड की हालत कैसी लग रही है आप? बहुत अच्छी लग रही है, पानी पानी कीचड़ कीचड़ है। तो विकास हुआ है बरमान में, क्या लगता है आपको? अब मैं जो तो नहीं जाने पढ़े लिखे नहीं है। कहाँ से हैं आप? यहाँ तो बरमान ही मैंने दूर रहते हैं। दूर रहते हैं जी, क्या नाम है आप? रामेश्वर नाम है। रामेश्वर जी, ये बताइए कि ये रोड सामने तो बहुत अच्छी दिख रही है। श्रीमान जी, विकास के नाम पे कुछ नहीं होता। ये जो बनाया है ना रिप्टा जी, ये ऊपर से हम लोगों ने चंदा करके बनवाया है। अरे इसका पंचायत को बोल रहे हैं हम लोग, 6-7 महीने से कुछ नहीं हुआ। बोलते यहाँ बरमान में ग्राम पंचायत लगती है और मेरे ख्याल से अमित खटीक जी की श्रीमती जी यहाँ से उनको बोलते, वो बोलते भैया ये अपना काम नहीं है, ये दूसरे का टेंडर था किसी और का, ये वो करके देंगे। तब जब सब लोग आने जाने वाले लोग परेशान होने लगे तो हम लोगों ने चंदा करके ये बनवाया है। और इसके अलावा क्या कहेंगे बरमान में, क्योंकि बस स्टैंड के सामने ही आपकी दुकान है, हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए। बरसात में तो ये तालाब बन जाता हुआ, कीचड़ पे कीचड़ होती होगी। ये सब मेंटेनेंस श्रीमान जी हम लोग करते हैं, ये पत्थर डलवाए हम, वहाँ पिचिंग करवाइए। यानी कुल मिला के नेताओं का कोई सपोर्ट नहीं है? रहता है सपोर्ट, समय पे रहता है, पर अभी तो कोई उनका वो नहीं है। चुनाव आने वाले तो कुछ मदद मिलेगी, तो अब मिलने की संभावना है, पर अभी अच्छा, तक तो बरमान में विकास हुआ है क्या लगता है आपको? बरमान का जैसा विकास होना चाहिए था, हुआ है? इस पंचवर्षीय में तो थोड़ा कहने का मतलब 40 था तो 60 हो गया है विकास। क्या क्या विकास के कारण हुए, क्या कहेंगे रामेश्वर जी? सफाई कर्मी सुबह आते हैं, रोज झाड़ू लगती है जी, सिस्टमेटिक घर घर जल घर घर नल व्यवस्था भी उपलब्ध, लगभग काम लगा है उसका, हो रहा है विकास। स्कूलों की हालत बढ़िया है? हाँ स्कूलों की हालत बढ़िया है। स्कूल कभी आप गए हैं? आपके बच्चे पढ़ते? बच्चे पढ़ते हैं हमारे, बढ़िया स्थिति है स्कूलों की, अच्छी पढ़ाई होती है। चलिए पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जी, क्या नाम है महाराज जी? अरे भगिया मत भैया कैमरे से, आप यहीं के हैं बरमान के? मैं सागर का हूं। अरे सागर वाले भाई, हम आएंगे वहाँ, सागर आएंगे जरूर, बताइए। हाँ वहाँ आते हैं ना भैया जी, पान वाले भैया, चाय वाले भैया, तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए, क्या कहेंगे बरमान में विकास हुआ है? भैया एक चीज बताएं जी, आप लोग पत्रकार हो, मीडिया वाले, सुनिए बुरा नहीं लगे? अरे बिल्कुल बोलो साहब। हैं जी, क्योंकि चाहे वो कोई सी नेता रहा हुआ है, कोई राजनीति चली जाए, विकास बरमान का कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो कारण है उसका। क्या कारण है? कारण ये है कि कोई भी आता देख के चला जाता है, हैं, कसम खा जाता है, बाकी बात लौट के नहीं आता है, समझ रहे? यहाँ से लेके घाट तक कहूँ बाथरूम मिलेगी तुम्हें, देख के आ जाओ पहले, बस स्टैंड पे कहूँ बाथरूम नहीं कभी यहाँ नहीं भाई, एक कॉम्प्लेक्स बनवाया पीछे बना कर रख दिया उनने, अपन बोलेंगे अपन गाल पे खाएंगे, इसलिए अपन बोलते ही नहीं है किसी से, समझ रहे? चाहे बीजेपी से कांग्रेस, हम किसी के विरोध नहीं करते, मगर बात ये है कि कोई भी नेता बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, कोई कछु बन जाए, आते हैं नेता मंत्री, विकास कुछ नहीं होता बरमान, समझ गया अपन? और हम इससे कुछ ज्यादा बोलते नहीं। ये पान वाले भैया ने अपना दुख दर्द बताया है कि नेता चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं, अपना विकास करने में लगे हैं, क्या कहेंगे चाचा जी? सही बोले पान वाले भैया, आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं साहब, क्या नाम है आपका? अरे यार आप कहाँ के हैं भैया? सागर की। सागर, अरे सागर वाले भाई बहुत, सागर के लोग बहुत मां नर्मदा को मानते हैं और यहाँ बहुत आते हैं। आप कहाँ से हैं बाबूजी? बरमान। बरमान से, क्या कहेंगे? यहाँ से आइए, थोड़ा कैमरे के सामने आइए। था मैं ये पूछ रहा हूँ कि बरमान में विकास हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ। आप वोट देते हैं चुनाव में? देते हैं। किसको दी थी पिछली बार वोट? अरे पाँच साल के बाद कोई दर्शन करने नहीं आता, कुलियों कुलियों जाके देखो क्या है, या कहीं भी हो, 5 साल के पहले चुनाव जब होता है, जब हर व्यक्ति आता, हर नेता आता है, उसके बाद कोई दर्शन नहीं। भैया यहाँ सुनो, यहाँ पे सर बातें, आज ज्यादा दूर न जा, वो कन्याशाला शासकीय स्कूल है जी। हम 8 साल से लगे पानी की टंकी तोड़वाने के लिए, बाउंड्री बनवा के लिए, आप वहाँ जाके देखिए कन्याशाला क्या स्थिति है, एक बच्चों के स्कूल नहीं सुधर पा रहा हुआ यार, तो कहाँ सुधर है यहाँ पे बरमान में यार? नहीं लेकिन यहाँ तो, यहाँ तो बड़े बड़े नेता है ना, ठाकुर साहब है, राव साहब है, हम किसी का नाम नहीं लेते। नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हो, हम किसी, हम तो एक ही चीज बोल रहे हैं, चाहे अधिकारी आए चाहे नेता आए, आके रेस्ट हाउस में बैठ जाते हैं, बड़े लोगों को चाय पी के भाग जाते, पहले विकास देखो, किसी का पब्लिक को मत देखो, कन्या का स्कूल तो देखो पहले, सरकारी शासकीय, वो बेचारे को वहाँ
बाउंड्री पूरी टूटी पड़ी है, टंकी लटक रही है, 7 साल से हम शिकायत करते हैं, शिकायत भी उठवा दी लोगों ने। तो ये हाल है बरमान के, और यहाँ पर लोगों में खासी नाराजगी है, और लोग कह रहे हैं कि आम जनता के काम हो ना हो, लेकिन जहाँ बच्चियां पढ़ती हैं वहां का कम से कम काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साफ तौर से जो नेता हैं वो कुंभकर्ण की सोए हुए हैं, उनको जनता के कामों से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी पहले कुछ देर पहले भी कहा था कि वो खुद की जेब भरने में लगे हैं, चाहे वे कांग्रेस के हों या भाजपा के, वो आएंगे आपसे वादे करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। यही हाल है। अंदर हम और चलकर देखते हैं कि आखिर बरमान के अंदर कितना विकास हुआ है। ये तो बस स्टैंड के हाल है, और लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, खास तौर पर प्रशासन से और सत्ता पक्ष से, दोनों पार्टियों से लोग नाराज हैं। ये आम जनता की आवाज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं एंकर अमन खान के नाम से, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फिलहाल रोकते हैं और दिखाते हैं अंदर की क्या ताजा खबरें हैं।